आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़ में। और आज हम एक कमेंट लेंगे और रिलैक्सो पे आज बात करेंगे, प्लस CAGR किस प्रकार से हम काउंट करें वो भी देखेंगे, कुछ डिटेल्स में बातचीत करेंगे इनके व्यवसाय के बारे में और कुछ रिटर्न के बारे में कि कितना रिटर्न इन्होंने दिया इतने वर्षों में, कैसे एक मल्टीबैगर बना। तो वसीम जमादार साहब ने सर कंपाउंडिंग पर बनाए ना प्लीज़, मैंने रिलैक्सो का सुना है 1 लाख पर 10 ईयर्स में 70 लाख से ज़्यादा दिया है रिटर्न, मैंने भी 8 लाख लगा दिए हैं लेकिन कंपाउंडिंग समझ में नहीं आता मुझे, आप प्लीज़ कंपाउंडिंग पर एक वीडियो डिटेल्ड में बनाएं। ठीक है वसीम साहब, आपने 8 लाख रुपये कुछ ज़्यादा नहीं लगा दिए, हो सकता है कि आप 8 लाख रुपये आपके लिए बहुत छोटी अमाउंट हो, क्योंकि हो सकता है आपका कैपिटल बहुत करोड़ों में हो। ठीक है, तो अच्छी बात है, हालांकि लगाए तो आपने अच्छी कंपनी में ही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लगा ही दिए हैं पार्टनर तो ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, तो पहले हम रिलैक्सो के बिज़नेस को समझने की कोशिश करेंगे, फिर कंपाउंडिंग वगैरह में उस पर चर्चा करेंगे। देखिए इनका व्यवसाय है चप्पल्स, जूते, ये सारी चीज़ें बनाना, फुटवेयर्स, और चाहे बच्चों के स्कूल के हों, चाहे बच्चों के हों, चाहे महिलाओं के हों या पुरुषों के हों, चाहे स्पोर्ट्स शूज़ हों, चाहे ऐसे नॉर्मल शूज़ हों, चप्पल्स हों। तो इनका जो व्यवसाय है कोई ऑटो या कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी नहीं, इनका काम है कि इंसान चप्पल घिस देता है, इतनी मेहनत करता है, शादी में हो तो नए शूज़ ख़रीदने पड़ते हैं, किसी फंक्शन में जाना हो तो चप्पल्स ख़रीदने पड़ते हैं, तो अन्यत्र जो है इनके काफ़ी अलग अलग डिमांड बनी रहती है और चप्पलें जूते फट जाते हैं, घिस जाते हैं एक समय के बाद, तो इंसान को जो है कंसिस्टेंट इसकी ज़रूरत डेली यूज़ के लिए बनी रहती है। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं बहुत फेमस है, बहमास, फ्लाइट, स्पार्क्स, स्कूलमेट, जिसमें से अगर हम देखें तो काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान साहब हैं और यहाँ पे अक्षय कुमार साहब हैं और यहाँ पर रणबीर सिंह साहब हैं, तीनों सुपरस्टार हैं जो इनके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं आज के समय में। और तो बढ़िया बिजनेस है, अगर हम देखते हैं आज का जो प्राइस है, यानी वेंसडे, इट्स वेंसडे और 11:53 टाइम हो रहा है, मार्केट खुली हुई है, आज का जो स्टॉक प्राइस चल रहा है, जो ट्रेड हो रहा है 618 रुपये की प्राइस में, मामूली सी गिरावट है। और इसमें मैंने मैक्सिमम का चार्ट लगा रखा है जो कि यहाँ से शुरुआत है कि जून 2011 से, हालांकि इसके पहले का उपलब्ध नहीं है इस साइट पे, और जून 2011 से लेके आज की तारीख तक जो इन्होंने रिटर्न्स दिए हैं 4268, यानी कि एक मल्टीबैगर स्टॉक है। और जैसा कि वसीम साहब ने पूछा था कि 70 लाख, तो हो सकता है कि इससे पहले का अगर हम चार्ट देखेंगे तो और भी छोटी प्राइस का रहा होगा, तो आज की तारीख में हो सकता है 70 लाख से के आसपास के रिटर्न्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आपको जो है 42 लाख और एक आपका जो लाख रुपए लगा 43,68,000 रुपए के यहाँ पे पूंजी बन गई होती। ठीक है, तो ये मतलब 9 वर्षों में, जून 19 से लेकर जो 2020 तक, और लो बनाया था 11.50 रुपये, यानी वहीं तभी से शुरुआत हुई थी। और कंसिस्टेंट जो इसका चार्ट पैटर्न बड़ा खूबसूरत लग रहा है, थोड़ी सी गिरावट फिर ऊपर की ओर, और 830 का हाई बना चुका है। तो जैसे हमने इसके व्यवसाय के बारे में बात की, तो बड़ा अच्छा बिजनेस है इनका कारोबार, और ये कंसिस्टेंट जो है अपने जो है फैक्ट्री वगैरह भी जो इनकी होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा मैंने जाना है जब इसके साइट पे विज़िट किया। सेल्स वगैरह देखते हैं तो भी देखते हैं, ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ है 8.81% की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 39.82 की, और प्रॉफिट भी निकल के आया है 50% पिछले वर्ष के मुकाबले, और मार्जिन भी बढ़ के आया है। तो काफ़ी अच्छे संख्याएं नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, और अगर हम कुछ जो प्रतिवर्ष डिविडेंड पे करते हैं तो 90 पैसे पर शेयर के हिसाब से लास्ट डिविडेंड इन्होंने दिया था। और सबसे अच्छी बात है कि ये कंपनी बोनस भी देती है आपको, यानी कि 2019 में ही आपके शेयर्स जितने भी रहे होंगे डबल कर दिए थे, 2015 में भी दिया था, 2000 में भी दिया था, तो समय समय पर यह बोनस भी देती रहती है। और जो प्रमोटर्स की स्थिति है, अगर प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है बड़ी स्ट्रांग होल्डिंग 70% के आसपास है, हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखें तो कम हुई है, लेकिन ठीक है 70% काफ़ी होती है होल्डिंग, है ना, FIIs भी हैं, टोटल DIIs भी हैं, तो ये एक बढ़िया कंपनी है, बढ़िया साइन है। और कर्ज़ा के नाम पे अगर हम देखते हैं तो मामूली सा कर्ज़ा है इस कंपनी में, और नेट टोटल जो डेट है 86 करोड़ के आसपास है, फाइनेंशियल ईयर 2019 में दिखाई दे रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना, जितनी इनकी एसेट टोटल है और हिसाब से इनका कामकाज है, जिस प्रकार से मुनाफा आ रहा है उस हिसाब से कर्ज़ा इनका कुछ नहीं है। अब अगर हम बात कर लें कि कंपाउंडिंग, तो
कंपाउंडेड क्या होता है, कंपाउंडिंग होता है अगर हिंदी में बात करूं तो चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि अगर आप बहुत सारे लोग समझते हो, अगर कॉमर्स के विद्यार्थी नहीं होने के बावजूद भी अगर आप को बचपन में पढ़ाया गया होगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज आप फिल्मों में भी देखते रहे होंगे कि जो पुराने मुनि उस टाइप के होते थे ना, कि बड़े विलन हमारी फिल्म में दिखाया गया, चाहे मदर इंडिया रहा हो, चाहे 2 बीघा ज़मीन रही हो, तो लोग जो लोन बांटते थे साहूकार उस समय, और वो मजदूर या किसान फंस जाता था उनके जाल में, वो पता नहीं कौन सा सूद ब्याज लगाते थे, उनको नहीं मालूम पड़ता था, वही चक्रवृद्धि होता था। आजकल की फिल्मों में कम दिखाया जाता है क्योंकि आजकल के लोग थोड़ा ज़्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, बट मोस्टली अभी भी निवेशकों को चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता। तो यही जो है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एक है, जो हम किसी भी स्टॉक प्राइस का या सेल्स का किसी चीज़ का भी निकालते हैं। तो एब्सोल्यूट रिटर्न इज़ डिफरेंट, बिकॉज एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने 1 लाख लगाया और आपको 10 साल बाद 10 लाख हो गए, तो आपको लगेगा हाँ यार मेरा पैसा 10 गुना हो गया, मेरा 10 लाख एब्सोल्यूट रिटर्न है। लेकिन अगर हम 10 वर्षों में, मान लीजिए कि आपने आज 100 रुपये का कोई स्टॉक ख़रीदा और वो जो है 1000 का हो गया 10 साल में, ठीक है, तो अब आप सोचेंगे यार मैंने कोई प्राइस स्टॉक लिया था, किसी वर्ष जो है उसने रिटर्न नहीं दिया, किसी साल उसने दिया, किसी साल नहीं दिया, किसी साल दिया, किसी साल 2 साल नहीं दिया, 3-10 वर्षों में किसी वर्ष, जैसे अभी इस साल का मार्केट है कितना गिर चुका है, तो हो सकता है कि अगला मार्केट काफ़ी अच्छा भागे, हमारा इंडेक्स या जितने भी स्टॉक्स हैं। तो आइए हम देख लेते हैं एक CAGR कैलकुलेटर के माध्यम से किस प्रकार से स्टॉक का निकालते हैं। तो पहले हम निकालेंगे इसी का, मान लीजिए रिलैक्सो का ही CAGR निकालते हैं इस 9 वर्ष का। देखिए जून 11 से लेके, अगर हम आज की तारीख जून आने वाला है, मई जून, तो 9 वर्ष पकड़ लेते हैं एक मोटा मोटा, तो 11 रुपये और 830 रुपये हाई गया आज का प्राइस, और 9 वर्ष का जो अंतराल रहा, रिटर्न्स 42-64 दिए, लेकिन इसका CAGR क्या निकल के आ रहा है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट क्या निकल के आ रहा है, वो चेक करते हैं हम। ऑनलाइन एक कैलकुलेटर को हमने खोल लिया है ताकि आप लोग को भी सुविधा हो, बहुत सारी चीज़ें एक्सेल पे भी नहीं दिखा सकते, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि बिगिनिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो थी 11 रुपये पकड़ लेते हैं, और एंडिंग वैल्यू हम लोग 600 पकड़ते हैं जो आज की तारीख का है, 600 आज का प्राइस है, और वर्ष हो चुके हैं करीब 9, अगर 2011 से लेकर 2020 का, तो 9 ईयर्स। 9 ईयर्स में जो CAGR निकल के आ रहा है, CAGR इज़ 55.94%, 55% के आसपास, 56% के आसपास हमारा CAGR रिटर्न निकल के आ रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि CAGR कैसे निकालते हैं, है ना, वर्ष और शुरू की जो प्राइस, स्टॉक प्राइस, बाइंग प्राइस, और आज का करंट वर्तमान या सेलिंग प्राइस कि आपने किस भाव पे भेजा, और उसको वर्ष करें और उसका कैलकुलेटर आप निकाल लें, तो इसमें सीधे सीधे ऑनलाइन कैलकुलेटर आपको मिल जाता है, आपको CAGR रिटर्न मिल जाएगा। अब रही दूसरी बात कि आपको लाभ कैसे मिलता है शेयर मार्केट में इस चीज़ का, तो वो भी बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके दो, आपने आपने जो है आज आज से 5 साल पहले 100 रुपये में कोई स्टॉक ख़रीदा होगा और आज हो चुका है वो 500 रुपये का, तो 5 सालों में आपको जो है मतलब 500% के रिटर्न मिल गए, आपका पैसा जो है 100 रुपये था 500 का हो गया 5 सालों में, तो 500% हो गया। लेकिन अब आपके दोस्त ने आज ख़रीदा 500 रुपये का एक स्टॉक, वही जो आपने 5 साल पहले ख़रीदा था 100 रुपये का एक, और वो 5 साल होल्ड करते हैं दोनों लोग, तो आपके दोस्त का हो गया 1000 रुपये 5 सालों में, लेकिन आपका हो गया 10 वर्ष का पीरियड लगा तो आपका हो गया 1000, तो आपको मिल रहे हैं 1000% रिटर्न, लेकिन आपके दोस्त को रिटर्न जो मिल रहे हैं 500 के हिसाब से उन्हें ख़रीदा था तो उसको सिर्फ डबल मिल रहा है, मतलब उसको सिर्फ 100% के रिटर्न ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि 500 से 1000 हो गया, 500 को उन्होंने ख़रीदा था। तो जितनी जल्दी अगर आप ख़रीदते हैं कोई शेयर्स या इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, तो आपको उसका लाभ ज़रूर मिलता है। उदाहरण के लिए फिर से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, मान लीजिए यहाँ पर आपने ख़रीदा 9 साल पहले 13 रुपये के भाव पर, ठीक है, और अगर यहाँ पे आज 600 के प्राइस पे चल रहा है तो आपको तो इतना रिटर्न मिल रहा है, इतने परसेंट का रिटर्न, 42,268 का, ठीक है, 4,268 का। लेकिन अगर यहाँ पे डेली ऊपर नीचे होता रहता है, अगर 100 आपने 13 रुपये पे ख़रीदा था तो
13 पे खरीद के हिसाब से आज अगर 13 रुपये बढ़ गया ना, तो आपको 100% यहाँ पे जो है इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो बाइंग है वो तो 13 रुपये के हिसाब से है। तो भले ही 600 पहुँच गया, लेकिन आज अगर 26 रुपये बढ़ता है तो आपको 200% का रिटर्न आज की तारीख में मिल जाता है, आपकी जो मूल राशि थी, आपकी जो खरीदिंग बाइंग थी। तो ये इस चीज़ का लाभ मिलता है कि लंबे समय के लिए अगर हम निवेश करते हैं किसी स्टॉक में, तो धीरे धीरे यही रिटर्न एक बड़ा रिटर्न बनता जाता है। और इसी को जब हम CAGR के हिसाब से निकालते हैं तो हमें उसका प्रतिशत निकल के आ जाता है, किसी वर्ष कम दिया, किसी वर्ष ज़्यादा दिया, ये इस प्रकार से काम करता है ना। अब जो कंपाउंडिंग, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज यही है कि मान लीजिए कि अगर आपने जो है, जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपये हैं, आपने किसी को दिया कि भाई लो मुझे 50% रिटर्न दे देना, तो अगले साल वो हो जाएगा, एक साल बाद वो अगर आपको देता है तो 1,500 रुपये देगा। फिर उसी आदमी ने बोला कि भाई ये 1,500 मुझे दे दो, फिर मैं 50% रिटर्न आपको दूंगा, तो वो हो गया करीब करीब 750 उसका ब्याज मिल जाएगा 2 साल में, तो हो गया 2,250। इसी प्रकार से 23 साल में अगर आप नोटिस करेंगे, सॉरी 3 साल में, तो 3 साल में 1,125 सिर्फ ब्याज मिलेगा, और मूल जो रहा 1,000 आपका, तो वो भी बढ़ता जा रहा है, तो 3,375 हो गया टोटल, है ना। तो ब्याज का ब्याज, मूलधन, इन सब को मिला के हर साल जो है उसका ब्याज मिलता जाता है, जैसे फिक्स डिपॉजिट में मिलता है। कैसे फिक्स डिपॉजिट में आपको मिलता है, तो उसी तरीके से CAGR रिटर्न उसमें आप काउंट कर सकते हैं, या उस हिसाब से आपको जो रिटर्न मिलता है फिक्स डिपॉजिट वगैरह में। इसमें हम CAGR निकालते हैं, एब्सोल्यूट रिटर्न भी निकालते हैं और CAGR निकालते हैं। तो मेरे विचार से आप लोगों को जो मैंने बताने की कोशिश की है समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ होगा थोड़ा सा वीडियो फिर रिवाइंड कीजिएगा, फिर गौर से सुनिएगा, क्योंकि यही चीज़ें आप भले ही आप अगर पढ़े लिखे हैं तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन आप पढ़ें उस समय लेकिन समझ नहीं पाए। तो दोस्तों, एक अच्छे स्टॉक के बारे में आज हमने चर्चा की, और मुझे लगता है कि डिविडेंड भी इसने दिया था रिलैक्सो ने, मैंने बताया है ना आपको, डिविडेंड मामूली से देता है, क्योंकि उस जो प्रॉफिट है उसको डिविडेंड ना बांट के ये लोग एक्सपेंशन में लगा रहे हैं, है ना। तो यही है, चलिए कोई सुझाव हो तो ज़रूर, या हो सकता है कि मैंने कुछ बताने में एक फ्लो में कुछ गड़बड़ी कर दी हो, तो वो भी आप मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।